दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सी मूवीज बनाई जा चुकी हैं जिनमें खतरनाक और खूंखार नजर आने वाले समुद्री लुटेरों को दिखाया जाता है। हालांकि फिल्मों में इन पायरेट्स को देखकर ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि ये कहानियां काल्पनिक होती हैं और इनका दूर दूर तक सच्चाई से कोई नाता नहीं होता है। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस तरह के समुद्री लुटेरे हमें फिल्मों में दिखाए जाते हैं ठीक उसी तरह के खतरनाक लुटेरे सच में हुआ करते थे। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही इतिहास के सबसे खतरनाक 10 समुद्री लुटेरों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 10, हेनरी मॉर्गन। दोस्तों हेनरी मॉर्गन या फिर कहें कि कैप्टन मॉर्गन को इतिहास के सबसे मशहूर व कुख्यात समुद्री लुटेरों में से एक माना जाता है। अपने समय में उसका खौफ इतना ज्यादा हुआ करता था कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। हालांकि इतिहास में कैप्टन मॉर्गन के शुरुआती जीवन की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ सोर्सेस से पता चलता है कि उनका जन्म सन 1635 में वेल्स के अंदर हुआ था। वो एक वेल्स प्राइवेटियर हुआ करता था जिसको अंग्रेज सरकार से स्पेनिश जहाजों को लूटने और तबाह करने का लाइसेंस मिला हुआ था। बताया जाता है कि सन 1663 से 1674 के बीच उसने ना जाने कितने स्पेनिश जहाजों और शहरों को लूटा था और जिस भी टाउन को वह अपना शिकार बनाता था उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता। लगभग 10 साल तक इसी तरह से लूटपाट करने के बाद वह सन 1674 में जमैका चला गया जहां उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। नंबर 9, थॉमस ट्यू। दोस्तों थॉमस ट्यू एक प्रसिद्ध समुद्री लुटेरा था जिसने 17वीं सदी के दौरान अपनी लूटपाट से खूब आतंक मचाया था। बताया जाता है कि उसका जन्म 1649 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था और अपने करियर की शुरुआत उसने भी एक प्राइवेटियर के रूप में ही की थी, लेकिन कुछ साल अंग्रेजों के लिए काम करने के बाद से वह एक समुद्री लुटेरा बन गया था। थॉमस ट्यू को बड़े बड़े खजाने लूटने का शौक था, इसीलिए वह बड़ी लूट करने के लिए बहुत लंबी लंबी समुद्री यात्राएं करता था। साल 1693 में लाल सागर के अंदर उसने एक भारतीय जहाज को लूटा था जो कि भारत से तुर्की के सफर पर जा रहा था। हालांकि उस जहाज पर लगभग 300 लोग सवार थे, लेकिन थॉमस ट्यू के हमला करते ही उन सभी ने उसके आगे घुटने टेक दिए थे और इस जहाज से उसने अपने करियर का सबसे बड़ा खजाना लूटा था जिसकी कीमत लगभग 1,00,000 पाउंड थी। और इसी तरह से सन 1695 में लूटपाट के लिए ही उसने मुगलों के एक 25 जहाजों के बेड़े पर भी हमला बोल दिया था, लेकिन इस हमले में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। थॉमस ट्यू समुद्री लुटेरों के लिए एक रोल मॉडल की तरह था क्योंकि उस समय उसके नक्शे कदम पर चलकर बहुत सारे लोग पायरेट्स बन रहे थे। नंबर 8, हेनरी एवरी। दोस्तों हेनरी एवरी एक ऐसा लुटेरा था जिसको समुद्री लुटेरों का राजा कहा जाता था। बताया जाता है कि अपनी पूरी जिंदगी में हेनरी ना तो कभी गिरफ्तार हुआ और ना ही किसी के हाथ में आया। यही वजह है कि उसको इतिहास के सबसे चालाक समुद्री लुटेरों में भी शुमार किया जाता है। हेनरी का जन्म 1659 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था और उसने अपने करियर की शुरुआत इंग्लैंड के शाही नेवी में काम करते हुए की थी, लेकिन ये नौकरी उसको कुछ खास पसंद नहीं आई थी, इसीलिए इसको छोड़कर वह एक लुटेरा बन गया। हेनरी ने साल 1695 में मुगलों के एक 25 जहाजों के बेड़े पर हमला किया था जो कि मक्का के सफर पर निकला था। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही हमला था जिसमें मशहूर समुद्री लुटेरे थॉमस ट्यू की मौत हो गई थी, लेकिन हेनरी इस लूट में जिंदा बच निकलने और 6,00,000 पाउंड का खजाना लूटने में कामयाब रहा था। और दोस्तों आज के समय के हिसाब से देखें तो उस खजाने की वैल्यू लगभग 92 मिलियन पाउंड थी। और दोस्तों इस खजाने को लूटने के बाद से हेनरी हमेशा के लिए कहीं गायब सा हो गया जिसके बाद से उसको कभी भी नहीं ढूंढा जा सका। नंबर 7, विलियम किड। दोस्तों विलियम किड 17वीं सदी का एक मशहूर समुद्री लुटेरा था जिसका जन्म 1655 में स्कॉटलैंड के अंदर हुआ था। बताया जाता है कि शुरुआत में वो एक प्राइवेटियर हुआ करता था जिसको अंग्रेज सरकार द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को लूटने और उन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। अब पहले तो इस काम को वह सिर्फ सरकार के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे विलियम को इस काम में मजा आने लगा और कुछ ही समय में वो एक खतरनाक समुद्री लुटेरा बन गया। एक लुटेरे के रूप में विलियम ने बहुत सी बड़ी बड़ी लूटों को अंजाम दिया जिसके चलते उसका नाम पूरी दुनिया में ही फेमस हो गया था। हालांकि साल 1701 में अंग्रेज सरकार के द्वारा उसको गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया गया था। नंबर 6, एडवर्ड टीच। दोस्तों एडवर्ड टीच अपने समय के सबसे खतरनाक और खूंखार समुद्री लुटेरों में से एक माना जाता था।
उसका जन्म इंग्लैंड के अंदर सन 1680 में हुआ था और लोग उसको बैक बियर्ड कहकर भी बुलाते थे। बताया जाता है कि वो शुरुआत में एक लुटेरा नहीं था, बल्कि पहले वो सरकार के लिए काम किया करता था और कई सारे युद्ध के दौरान उसने फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ने में सरकार की काफ़ी मदद भी की थी। लेकिन ये भलाई की ज़िंदगी उसको ज़्यादा समय तक रास नहीं आई और वो नौकरी छोड़कर एक समुद्री लुटेरा बन गया। एक लुटेरे के रूप में उसने दुनिया भर में काफ़ी नाम कमाया और लोगों में उसका खौफ ऐसा था कि वे उसका नाम सुनकर ही घबरा जाते थे। और दोस्तों, बताया जाता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म में बैकबियर्ड नाम का कैरेक्टर भी एडवर्ड टीच से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। नंबर 5, कैलिको जैक। दोस्तों, कैलिको जैक एक शातिर समुद्री लुटेरा था जो कि 18वीं सदी की शुरुआत में क्यूबा और बहामास के समुद्री हिस्सों पर राज किया करता था। कैलिको का जन्म सन 1682 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था और उसका असली नाम जॉन रैकहम था। अब यूँ तो जैक अपने तेज और शातिर दिमाग के लिए लोगों के बीच काफ़ी मशहूर था, लेकिन एक चीज़ जिसने उसको पूरी दुनिया में फेमस किया था वो यह थी कि उसने अपने शिप पर पुरुषों के साथ ही दो महिलाओं को भी अपने क्रू में रखा हुआ था। इन महिलाओं का नाम मेरी रीड और एनी बोनी था, जो कि इतिहास की सबसे फेमस महिला पायरेट्स मानी जाती हैं। दरअसल उस समय किसी महिला का एक लुटेरे के जहाज और उसके दल में शामिल होना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ माना जाता था। ऐसे में जैक के जहाज पर एक साथ दो महिलाओं का होना लोगों के लिए काफी हैरानी की बात थी। नंबर 4, फ्रांसिस ड्रैक। दोस्तों, फ्रांसिस ड्रैक सिर्फ एक समुद्री लुटेरा ही नहीं बल्कि एक एक्सप्लोरर, प्राइवेटियर, नेवी ऑफिसर और पॉलिटिशियन भी था, जिसका जन्म सन 1540 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और बताया जाता है कि उसके अंदर जन्म से ही समुद्री जहाजों को चलाने की कमाल की काबिलियत थी और अपनी इन्हीं स्किल्स के चलते ही वो अंग्रेज सरकार के लिए एक प्राइवेटियर बन गया था। अंग्रेज सरकार ने उसको अपने दुश्मन स्पेन के जहाजों को लूटने और बर्बाद करने का काम सौंपा था और फ्रांसिस कई साल तक इस काम को बखूबी करता भी रहा। एक तरफ जहाँ उसके इस काम ने इंग्लैंड में उसको हीरो बना दिया था, वहीं स्पेन की नज़र में वो एक समुद्री लुटेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि स्पेन की सरकार उसके हमलों से इतना तंग आ गई थी कि उन्होंने उसके ऊपर 20,000 सोने के सिक्कों का भी इनाम रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांसिस कई साल तक लगातार अपने हमलों से स्पेन को नुकसान पहुंचाता रहा। पर दोस्तों, बताया जाता है कि साल 1596 में जब उसकी मौत हुई तो उसके साथियों के द्वारा उसको समुद्र में ही दफन कर दिया गया था। नंबर 3, एनी बोनी और मैरी रीड। दोस्तों, बात जब समुद्री लुटेरों की होती है तो हमारे दिमाग में कभी भी किसी महिला का ख्याल नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि समुद्री लुटेरे तो सिर्फ पुरुष हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि इतिहास में सारे लुटेरे सिर्फ पुरुष ही नहीं होते थे बल्कि उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती थी। और दोस्तों, एनी बोनी व मैरी रीड ये दोनों उन्हीं महिला लुटेरों में से एक थी। एनी बोनी एक आयरिश महिला थी जबकि मैरी रीड का ताल्लुक इंग्लैंड से था। ये दोनों महिलाएं 18वीं शताब्दी के कुख्यात लुटेरे कैलिको जैक की क्रू मेंबर हुआ करती थी, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब कहने को तो ये दोनों महिलाएं थी, लेकिन इनकी चालाकी और ताकत के सामने बड़े बड़े लुटेरे भी अपने घुटने टेक देते थे। यही वजह है कि आज भी इन्हें दुनिया की सबसे चालाक और सबसे फेमस महिला पायरेट्स माना जाता है। नंबर 2, हॉवेल डेविस। दोस्तों, हॉवेल डेविस 18वीं सदी का एक ऐसा लुटेरा था जिसका करियर एक लुटेरे के रूप में बहुत छोटा रहा। दरअसल डेविस का जन्म वेल्स के अंदर सन 1690 में हुआ था और उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 28 साल एक आम और शरीफ इंसान की तरह बिताए थे। लेकिन इसके बाद से उसकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हुए कि वह एक समुद्री लुटेरा बन गया। लेकिन बदकिस्मती से लुटेरा बनने के सिर्फ 11 महीने बाद ही उसको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन इन 11 महीनों में ही उसने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए कि उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बताया जाता है कि इतने कम समय में ही उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के कुल 15 जहाजों को लूटा और उन पर कब्जा किया था, और इसीलिए आज भी उसका नाम दुनिया के सबसे मशहूर पायरेट्स में शुमार किया जाता है। नंबर 1, जैक वाट। दोस्तों, 16वीं और 17वीं सदी के दौरान दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और चालाक समुद्री लुटेरा हुआ करता था जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। कहा जाता है कि समुद्र के जिस हिस्से में इस लुटेरे का बसेरा हुआ करता था वहाँ से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं कर पाता। असल में जिस लुटेरे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम जैक वार्ड था,
जिसके बारे में कहा जाता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी के अंदर कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार भी आधारित है। दरअसल जैक भी पहले सरकार के लिए ही काम करता था, लेकिन आगे चलकर वह किस तरह से एक समुद्री लुटेरा बन गया और इस्लाम धर्म कबूल कर ली, इन बातों को जानने के लिए आप जैक वार्ड की पूरी वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको लाइव हिंदी चैनल पर ही मिल जाएगा, और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। तो दोस्तों, यह थे 10 सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।